प्रतीक्षा भारतीय। लोकसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट लोकसभा सीट में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे किशोर समरीले ने चुनाव खर्च की राशि चुनाव आयोग से मांगी है और कहा है कि यदि इंतजाम नहीं हो सकता है तो मुझे किडनी बेचने की अनुमति दी जाए। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृति ने चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग से रुपयों की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में भारत निर्वाचन आयोग के नाम पत्र लिखा है। समृति ने पत्र के माध्यम से कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 75 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन उनके पास ये राशि नहीं है। उनका कहना है कि विरोधी प्रत्याशी करोड़पति हैं और वे लोग बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग 75 लाख रुपए दे या किडनी बेचने की अनुमति मांगी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.